गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, और सबसे पहले बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है। सपोज कीजिए y आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स। वाई कैसा फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। तो एक्स क्या है? एक वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सपोज कीजिए वाई आपका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो एक्स और जेड का फंक्शन है। तो यहाँ पर वाई कैसा फंक्शन है? एक्स और जेड दोनों का फंक्शन है। एक्स और जेड क्या है? दोनों ही वेरिएबल हैं और क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वाई कैसा फंक्शन है? एक्स और जेड दोनों का फंक्शन है। यहाँ पर वाई कैसा फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। तो आप जब इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि y जो फंक्शन है एक्स क्यूब है। y कैसा फंक्शन है? x की पावर 3 का फंक्शन है। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, हम इसे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम कैसे लिखेंगे? dy बाय dx, और dy बाय dx x की पावर क्यूब। अब x की पावर क्यूब है, इसे डिफरेंशिएट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? यदि dy बाय dx x की पावर n है तो उसका फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x 3 माइनस 1, तो होगा 3x स्क्वायर। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब सपोज कीजिए y कैसा फंक्शन है? x और z का फंक्शन है। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया है x क्यूब प्लस z क्यूब। यहाँ पे हमने फंक्शन ले लिया है x क्यूब प्लस z क्यूब। तो जब हम इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डेल वाई बाय डेल एक्स करेंगे। इसका नोटेशन क्या होगा? डेल वाई बाय डेल एक्स होगा। तो इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर एक्स को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और जेड क्या होगा? एक अदर वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3x स्क्वायर। और इसी फंक्शन को यदि हम जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो भी आएगा 3z स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने x के लिए अप्लाई किया था, वही फॉर्मूला हम x के लिए भी अप्लाई करेंगे और z के लिए भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि z भी एक वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। दोनों ही एक अलग अलग वेरिएबल है जो कि y पे डिपेंड है। तो हमें यह क्या करना है, आपको x के लिए भी पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और z के लिए भी। पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं होता है, आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। जब एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो आप क्या करेंगे, जिस वेरिएबल के लिए आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं अदर वेरिएबल को आप क्या मानेंगे? कॉन्स्टेंट्स मानेंगे, और उस टाइप से हम उसे सॉल्यूशन करेंगे। जो फॉर्मूला हमने एक्स के लिए अप्लाई किया है वही फॉर्मूला आपका किसी भी वेरिएबल के लिए अप्लाई होगा, जेड के लिए, अदर वेरिएबल टी यू, जो भी वेरिएबल होगा उसके लिए हम ये अप्लाई करेंगे। इसको मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, उससे हम इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक फंक्शन है इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। ये एक वेरिएबल है और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डेल u बाय डेल एक्स, डेल u बाय डेल वाई, डेल u बाय डेल जेड और डेल स्क्वायर u, डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल जेड, या फिर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल जेड। ये सब आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन पे। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपका जो फंक्शन है आपको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक्स के लिए, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है वाई के लिए, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है जेड के लिए। और यहाँ पे क्या है, और क्या फाइंड करना है आपको, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। आपको यहाँ पे दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के लिए x के लिए, यहाँ पर भी दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है z के लिए y के लिए, यहाँ पे भी आपको दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है z के लिए और x के लिए। तो हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो आप सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए x के लिए, तो डेल u बाय डेल x। तो हमें क्या करना है, x के लिए डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। तो यहाँ पर x के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, y एक वेरिएबल है तो इसे हम कॉन्स्टेंट्स मानेंगे, डेल बाय डेल एक्स एक्स स्क्वायर
यहाँ पर y स्क्वायर जेड स्क्वायर दोनों ही डिफरेंट है, तो यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स होगा एक कॉन्स्टेंट नंबर के लिए, यहाँ पर x हमने जेड स्क्वायर हमारा कॉन्स्टेंट है, डेल बाय डेल एक्स कर रहे हैं x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और जेड स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो इसका सोल्यूशन है 2xy + z². अब जैसे हमने x के लिए किया है, हम वैसे ही क्या करेंगे, y के लिए भी डिफरेंशिएट करेंगे उसी फंक्शन को। अब यहाँ पर x स्क्वायर कॉन्स्टेंट हुआ और हमने डिफरेंशिएट किया है y को, यहाँ पर z कॉन्स्टेंट हुआ और हम डिफरेंशिएट करेंगे y स्क्वायर को, यहाँ z स्क्वायर और x दोनों कॉन्स्टेंट हुआ और हम डिफरेंशिएट करेंगे कॉन्स्टेंट नंबर। एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y, प्लस जेड स्क्वायर एक्स और 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो इसका फाइनल आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y, वो फंक्शन हो गया हमारा 0। इसी टाइप से अगर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं अब जेड के लिए, डेल यू बाय डेल जेड, तो एक्स स्क्वायर वाई दोनों कॉन्स्टेंट है और हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे 1 कॉन्स्टेंट नंबर, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट से डेल बाय डेल जेड निकालेंगे जेड का, एक्स कॉन्स्टेंट से डेल बाय डेल जेड निकालेंगे जेड स्क्वायर का, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई डॉट जीरो हो गया, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, प्लस जेड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2z, सॉल्यूशन हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xz, तो हमने क्या किया है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया है, यू हमारा जो फंक्शन था उसको हमने एक्स के लिए भी किया है, y के लिए भी किया है, z के लिए भी किया है, क्योंकि u कैसा फंक्शन था, 3 वेरिएबल का फंक्शन था, इसमें x भी था, y भी था और z भी था। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डेल स्क्वायर u डेल x डेल y, डेल स्क्वायर u डेल y डेल z, डेल स्क्वायर u डेल x डेल z, तो आपको अगर इसे डिफरेंशिएट करना है तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, पहले हम y के लिए करेंगे फिर हम इसे x के लिए करेंगे। तो u हमारा जो फंक्शन था वो लिखा हमने एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, अब हम कर रहे हैं सबसे पहले डेल u बाय डेल y निकालेंगे, अगर इसे हमें y के लिए डिफरेंशिएट करना है, x कॉन्स्टेंट हुआ, y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आया, y का डिफरेंशिएशन करेंगे z कॉन्स्टेंट हुआ तो होगा 2yz, और क्योंकि यहाँ पे y है ही नहीं, जो वेरिएबल जिसके लिए हम डिफरेंशिएट करना है वो है ही नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब ये एक बार y के लिए हो चुका है, अब हमें इसी फंक्शन को किसके लिए करना है, डेल बाय डेल x, अब हम इसी फंक्शन को x के लिए करेंगे, तो यहाँ पर x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और यहाँ पर तो x स्क्वायर है ही नहीं, x है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0, मतलब डेल स्क्वायर u डेल x डेल y का फाइनल आंसर आ गया है 2x। तो अगर दो बार डिफरेंशिएट करना है तो हमें पहले एक फंक्शन के लिए करना है, फिर उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट अगेन के लिए किया, तो यहाँ पर हमने दो बार कर दिया है डेल यू का डेल एक्स डेल वाई, इसी टाइप से आपको क्या करना है, डेल जेड और डेल वाई का भी करना है और एक्स और जेड का भी करना है। चलिए फिर से हम यू फंक्शन ले लेते हैं अपना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, तो सबसे पहले हम इसको कर रहे हैं जेड के लिए, यहाँ पर जेड प्रेजेंट नहीं है तो ये हो गया 0, जेड का डिफरेंशिएशन होता है 1 तो आया वाई स्क्वायर, यहाँ पर जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2xz, इसी फंक्शन को अब हमें किसके लिए करेंगे, y के लिए करेंगे, तो अब हम किसके लिए कर रहे हैं, y के लिए कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, और क्योंकि यहाँ पर y है ही नहीं तो ये हो गया हमारा 0 फंक्शन। तो हमने क्या कर लिया है, हमने दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, एक बार z के लिए और एक बार y के लिए।
नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हम उसी फंक्शन को कैसे करेंगे, जेड और एक्स। तो हमारा जो यू फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। और हम इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड के लिए, वो क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जेड प्रेजेंट नहीं है, जीरो। जेड का डिफ्रेंशिएशन वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा टू एक्स जेड। तो अब हमने इसे एक बार जेड के लिए कर दिया है, अब हमें क्या करना है, एक बार वाई एक्स के लिए भी करना है। डेल यू बाय डेल जेड, इसको हम किसके लिए कर रहे हैं, डेल एक्स के लिए। तो यहाँ पर एक्स प्रेजेंट नहीं है तो ये हो गया जीरो, और यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा टू जेड। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा टू जेड। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन को लेके सॉल्व किया है, उस फंक्शन में तीन वेरिएबल थे और हम उसमें क्या क्या फाइंड करने के लिए कहा गया था, हमने वो फाइंड किया है पार्शियली डिफ्रेंशिएशन होता। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल आपके पास होंगे तो जिस वेरिएबल के लिए आपको डिफरेंशिएट करना है उसे डिफरेंशिएट कीजिए, और अदर वेरिएबल को आप क्या मानेंगे, कॉन्स्टेंट्स मानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके हम और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।